जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसकी वानगी आज गोरखपुर में भी देखने को मिली, जहां भोजपुरी के मेगा स्टार और गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने आम बाग वनटांगिया गांव में जाकर वनटांगिया समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके साथ भोजन भी किया और उस गांव को गोद भी ले लिया। तकरीबन 12 बजे सदर सांसद रवि किशन का काफिला वनटांगिया गांव में पहुंचा, जहां पर उपस्थित भीड़ ने उत्साह में भारतीय जनता पार्टी और सदर सांसद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए एवं उत्साह से ग्रामीणों ने अपने गांव को गोद लेने का आग्रह सदर सांसद से किया, जिसके बाद सदर सांसद रवि किशन ने तत्काल सार्वजनिक रूप से यह घोषणा भी कर दी कि आज से इस गांव को गोद लेता हूं और यह गांव आज के बाद मेरा गांव है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह के द्वारा सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर उपस्थित ग्रामीणों को सदर सांसद ने अपने हाथ से भोजन परोसकर खिलाया एवं पारंपरिक गीत गाकर वहां उपस्थित माताओं बहनों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, रंजन सिंह, जुगनू आशु सिंह एवं पवन दुबे के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल रहे। इंडिया खेलों के तहत युवा कल्याण विभाग द्वारा बस अब हम ठेर समय ना ले और मुन्ना भैया हम चाह रहे थे जब भोजन हो तो मैं गाना भी गाऊं, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आज हम सोच रहे थे कि भोजन लोग खाएं और मैं गाना गाता रहूं, हम गाते रहे और लोग भोजन खाते रहेंगे, कैसा रहेगा? हमको भोजन खिलाते खिलाते हम अगर गाना गाएं तो विधायक जी कैसे रहेगा? आप पीछे से थूम देना, हम गाना गाएंगे। हाँ विधायक जी, आप आज जॉब बदलिए, अपने अंदर के कलाकार को जगाइए। हाँ आज विधायक जी गाएंगे और हम दोनों परोसेंगे, गाते हुए परोसेंगे भोजन। ऐसे देखो पैसा तो सब लोग परोस रहे हैं। भैया रहा ना, सब लोग आई फोटो, ऐसा मत करो, आओ सब लोग, हम अकेले कोई लड़ाई लड़ना, सब लोग आ जाए फोटो में दिखाई दे भाई, ऐसा मत करो, आओ शर्मा के आने में आदमी पागल लगता है अकेले खड़ा सवाल। जुगनू भैया अच्छा ये लोग टीम है, लुगनू भैया बाबू है, ए बाबू बड़ा बड़ा भाई है, एक रुपया लीजिए अगले को, दूसरे पांच नो किताबी नो को दे दीजिए, माल भी ले लो। कोयल बड़ी पापी सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी शुरू हुई है परंपरा, आज भी जारी है के बाद। भैया शुरू के बीच बोलू के साथ गीत गाए हैं, पीछे पीछे
इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत हूं और उनका स्नेह आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उसके बाद एक सेवा दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो सेवा दिवस में एक ये भी था कि सहभोज को जहाँ पर ये हमारे पूज्य महाराज जी योगी महाराज जी का बहुत ही आत्मा से प्रिय ये गांव है बनटानिया, ये पूरा परिवार, ये जो समाज है, और यहाँ पर हम लोगों ने सहभोज रखा है, उसके में हम लोग रजई आमबाग बनटांगिया में आए हैं और आज आप लोगों के समक्ष हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी जो दिन रात काम करते हैं हम लोगों के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी वो तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने पूरे देश में एक ये निर्णय लिया कि उनका सेवा दिवस मनाया जाएगा, जहाँ पर गरीबों को किताबें वितरण हुआ, जो हुई स्पोर्ट्स के लिए खेलो इंडिया में स्पोर्ट्स की चीज़ें आज बांटी गई, स्टम्प बैट बॉल एंड फुटबॉल एवरीथिंग, और किताबें नोटबुक होंगी, पेन होंगे, तो सारे करीब जितने गरीब बच्चे आए आज उन लोगों के साथ हम लोग बैठ के सहभोज होगा। जिलाधिकारी सभागार में